गाइस कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जो बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं ड्रॉप शिपिंग क्या है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है ड्रॉप शिपिंग का। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको ये समझाने वाला हूं, और यही नहीं, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं ड्रॉप शिपिंग इस वीडियो के अंदर, लेकिन अगला वीडियो जो है वहां पे मैं आपको ड्रॉप शिपिंग से आप पैसा कमा सकते हैं विद प्रूफ आपको मैं दिखाने वाला हूं कि मैंने जो है ड्रॉप शिपिंग अभी 1 दिसंबर को स्टार्ट करी है और अभी तक मैं उसमें अर्न कर रहा हूं, और जनवरी में जो है पहले ही वीक में मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने ड्रॉप शिपिंग से कितना पैसा कमाया है। और जो है ये सारी चीजें मैं लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं। तो ड्रॉप शिपिंग में पैसा है और क्यों है पैसा, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये पूरा आज के इस वीडियो में बताने वाला। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मंजीत डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है मंजीत डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, क्योंकि वहां पे मैं बहुत सारे आप लोगों के सवालों के जवाब दैनंदिन देता हूं, और साथ ही साथ जो है वहां पे आपको जो है आने वाले जितनी भी चैनल पे नोटिफिकेशंस हैं बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जो है जानकारी वहां पे मिलती रहती है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में और देखते हैं कि क्या है ड्रॉप शिपिंग। तो बेसिकली ड्रॉप शिपिंग को समझाने के लिए जो है मैं कोई बड़ा आपके सामने कोई प्रेजेंटेशन प्ले नहीं करने वाला हूं, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। नाम आई एम श्योर आप लोगों ने बहुत जगह पे सुना होगा ड्रॉप शिपिंग। यूट्यूब भरा पड़ा है, बहुत सारे जगह पे इसके आर्टिकल्स लिखे गए हैं, लेकिन एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है और इसके पीछे जो है ये सक्सेस होगा कि नहीं होगा, इसका फ्यूचर क्या है, ये आज के इस वीडियो में जो है आप पूरा एंड तक अगर देखेंगे आप खुद अंदाजा लगा पाएंगे सिर्फ ये वीडियो देखने के बाद कि ड्रॉप शिपिंग का फ्यूचर है या नहीं है। सो दोस्तों बात करते हैं ड्रॉप शिपिंग। नाम यहां पे थोड़ा सा अलग इसलिए दिया गया है, ये मैं बाद में बताता हूं, लेकिन उससे पहले ये कॉन्सेप्ट क्या है ड्रॉप शिपिंग का वो समझते हैं। अभी तक अगर हम बात करें कि अगर आपको कोई भी बिजनेस, अगर ड्रॉप शिपिंग को भी भूल जाओ, अभी हम बात करें अगर आपको कोई शॉप खोलनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो यहां पे शॉप खोलने के लिए अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप सिंपल सा सवाल पूछोगे कि पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें खोलना क्या है, कपड़े की दुकान खोलनी है, ज्वेलरी की दुकान खोलनी है, या स्पोर्ट शूज वगैरह की दुकान खोलनी है, या एक्स वाई जेड किस चीज की दुकान खोलनी है। सबसे पहला है निश सेलेक्ट करना, तो यहां पे भी आपको निश सेलेक्ट करनी होती है ड्रॉप शिपिंग में भी। फिर यहां पे दुकान खोलने के लिए और आगे क्या चाहिए, अब चाहिए आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मतलब आपके पास पैसा होना जरूरी है। लेकिन ड्रॉप शिपिंग के पास अगर आप करते हो तो यहां पे आपको पैसे की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इसके बाद अगर आपको दुकान में और कैपिटल भी आ गया, इसके बाद जो है आपका तीसरा स्टेप क्या होगा कि अब आपको मटेरियल खरीदना है कुछ ऐसी लोकेशन से जहां पे सस्ते में मिलता है, और वहां से मटेरियल को आपको बाय करना है, मतलब एक अच्छा सप्लायर ढूंढना है। तो यहां पर भी ड्रॉप शिपिंग के अंदर भी आपको यही चीज करनी है कि आपको एक सप्लायर देखना है जो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देता हो, और उससे जो है प्रोडक्ट जितने भी हैं आपको उसके ऊपर बिलीव हो कि हाँ भाई अगर मैं इतना इतना बिजनेस दे रहा हूं तो मेरा भी बेनिफिट होना चाहिए, और जो मेरे कस्टमर्स हैं उनको भी जो है राइट प्रोडक्ट डिलीवर करना भी उसकी जवाबदारी होगी, बस इतना सा करना है। अब इसके बाद जो है दुकान अगर खरीदनी है तो आपने उसमें आगे क्या करना है, आपको कि प्रोडक्ट भी आ गया आपके पास, अब आपको देखनी है दुकान। दुकान एक ऐसी लोकेशन पे देखनी है जहां पे आपका वो जो सामान है वो बिक भी सके। लेकिन ड्रॉप शिपिंग के अंदर आपको कोई दुकान नहीं खोलनी, यहां पे आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करना है, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू है या अपनी खुद की वेबसाइट के थ्रू है, इसके भी बहुत सारे तरीके हैं। तो यहां पर दोनों की तरह ही काम इक्वल ही करना है। अब आपको सब कुछ हो गया सेटअप आपका, अब आपको क्या करना है, वहां पे प्रोडक्ट बेचने हैं। अब यहां पे मुझे सिर्फ एक चीज बता दो कि अगर आपने एक एक्स प्रोडक्ट जो है 100 रुपए में खरीदा है तो क्या आप 100 रुपए के अंदर ही बेच दोगे, क्या नहीं। दुकानदार अपनी मार्जिन उसमें ऐड करता है, अपना प्रॉफिट उसमें ऐड करता है,
जो 100 रुपए की चीज है हो सकता है वो हमें 190 रुपए में बेचे, हो सकता है कि वो 180 रुपए में बेचे, हो सकता है कि वो हमें 140 रुपए में बेचे, मतलब जो भी है जैसा भी है अपनी मार्जिन ऐड करने के बाद जो फाइनल प्राइस होता है वो एंड कस्टमर को लिए एप्लीकेबल हो जाता है। तो सेम चीज आप यहां पे ड्रॉप शिपिंग में भी यही करते हैं कि आप जो भी रेट आपको एप्लीकेबल है वो आपको पता है, अब आप जो अपने एंड क्लाइंट्स को बेच रहे हो तो उसके ऊपर आप अपनी मार्जिन ऐड करते हो। बट ड्रॉप शिपिंग इसलिए ज्यादा हाईलाइट हो रही है क्योंकि जब दुकानदार है तो उसको दुकान का रेंट भी देना है, उसके एक्सपेंसेस भी हो रहे हैं कि वहां से मटेरियल आप तक आ रहा है, और फिर यहां पे उसको जो है लाइट खर्चा और उसका स्टाफ रखने का खर्चा, बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं। इसलिए यहां पे अगर दुकान के अंदर प्रोडक्ट रख के आप बेचते हो तो आपको जो है यहां पे ज्यादा कॉस्ट पे जो है मार्जिन अपनी ज्यादा रखनी पड़ती है, लेकिन ड्रॉप शिपिंग के अंदर आप इतनी ज्यादा मार्जिन नहीं भी लोगे, बहुत कम भी लोगे और क्वांटिटी भी खेलोगे तो डेफिनेटली आपको जो है काफी बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि यहां पे आपको जो है अपनी खुद की कोई भी इन्वेंटरी वगैरह नहीं रखनी है। तो ये है ओवरऑल ड्रॉप शिपिंग का कॉन्सेप्ट। अब समझते हैं अच्छे से ड्रॉप शिपिंग, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग जो है ये कोई और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं है, जो ट्रेडिशनल मार्केट में हम करते आ रहे हैं उसी काम को हम ऑनलाइन में जो है थोड़े से डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं, बस इसीलिए इसको नाम दिया है ड्रॉप शिपिंग, ठीक है जी। तो यहां पे जो है आपको कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट की इनिशियल स्टेज पे कोई भी जरूरत नहीं है, अब आपको कोई इन्वेंटरी मैनेज नहीं करनी है, आपको कोई प्रोडक्ट नहीं खरीद के रखने अपने पास, तो यहां पे जो है आप डायरेक्टली जब आपके पास ऑर्डर आएगा आप अपनी मार्जिन उसमें ऐड करोगे और उसके बाद जो है एंड कस्टमर को सेल कर दोगे, और जो ऑर्डर आपके पास आया है उसी ऑर्डर को सामने एंड वेंडर जहां पे आपने फाइनल कराए उस वेंडर को दे दोगे कि भैया यहां पे मेरे नाम से शिप कर दे। अब एंड वेंडर ने जो है आपके नाम से उसको शिप कर दिया, ब्रांडिंग आपकी हो गई वहां पे, जो आपने ये जो भी उसका, क्योंकि अगर ऑनलाइन से कोई भी मंगवा रहा है तो डेफिनेटली वहां पे कोरियर चार्जेस होंगे, वो आपको अपनी जेब से पे नहीं करने, वो एंड क्लाइंट को ही पे करने हैं। तो आप जो है यहां पर इस तरह से जो है जब बिजनेस करते हो तो ये एक सक्सेसफुली ड्रॉप शिपिंग का जो है काम जो है बिजनेस जो है आपका स्टार्ट हो जाता है। अब ऐसे में धीरे 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 करके आप जब ऑर्डर्स इंक्रीज करते चले जाते हो तो बहुत ही आसानी से जो है बहुत ही बड़े लेवल पे आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। तो ये आने वाले समय में जो है अगर देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म जो है बनने वाला है ड्रॉप शिपिंग। बहुत लोग अभी भी लाखों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन आगे आप भी अभी जस्ट बिगनिंग है, आने वाले दिनों में यानी कि 2020 के अंदर जो है आप ड्रॉप शिपिंग के जो है किंग बन सकते हो। तो आई एम श्योर कि आपको ड्रॉप शिपिंग का कॉन्सेप्ट समझ गया आ गया होगा कि ड्रॉप शिपिंग क्या है, ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं है, यहां पे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना है, जो हम ट्रेडिशनल मार्केट में कर रहे हैं बस उसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हम रिप्रेजेंट कर, उसमें सिर्फ हमारा जो वर्किंग जो फंक्शनैलिटी है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है, और इसीलिए इसको नाम दिया गया है ड्रॉप शिपिंग। सो ऑल टुगेदर आप यहां पे वही काम कर रहे हो जो ट्रेडिशनल एक कोई दुकान खोलता है तो वो काम कर रहा है, तो सेम चीज आप भी कर रहे हो, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट में आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कब से लेके चलती आ रही है हमारी ट्रेडिशनल मार्केट और आज भी चल रही है। तो सेम वे जो है ड्रॉप शिपिंग का फ्यूचर भी काफी ब्राइट है, क्योंकि यहां पे आप किसी को धोखा नहीं दे रहे हो, आप किसी का कोई नुकसान नहीं कर रहे हो, आप जो किसी के साथ में भी कोई भी दो नंबर का जो है काम नहीं कर रहे हो, आप लीगली काम कर रहे हो, हर चीज आपकी ऑनलाइन रहेगी, हर चीज ट्रैकेबल होगी, बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जो काम करना चाहते हैं तो आपकी ड्रॉप शिपिंग की जो पॉलिसीज हैं वो आपको थोड़ी सी ध्यान से इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। अब ये पॉलिसीज क्या है, क्या क्या चीजें इसके अंदर आपको ध्यान में रखनी है, वो जो है मेरा आने वाले वीडियो के अंदर मैं आपको कवर करूंगा। तो आई एम श्योर ड्रॉप शिपिंग का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि ड्रॉप शिपिंग का फ्यूचर क्या है, ये आप खुद ही अब अंदाजा लगा सकते हैं। सो आई एम श्योर वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ जो है बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, अगला वीडियो अंत तक सेफ रहें, अलर्ट रहें, एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।